गुड मॉर्निंग बच्चों, हम अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय तालिका, या हम कह सकते हैं जैसे अभी बताया था पृथ्वी का इतिहास। ठीक है, तो हमने इसमें अभी तक जो पृथ्वी का इतिहास है उसमें हमने पीरियड्स हमने पढ़ा, उसमें महाकल पढ़े, मतलब पूरे के पूरे जो पृथ्वी का इतिहास उसे महाकल्पों में बांटा, फिर महाकल्पों को कल्पों में और कल्पों को युगों में। ठीक है, तो हमने बाकी सब पढ़ लिए थे। आज हमें जो लास्ट पढ़ना है वो है सीनोजोइक एरा। ठीक है, सीनोजोइक एरा या सीनोजोइक महाकल्प जो है वो जो है लास्ट महाकल्प है, मतलब लास्ट इन द सेंस कि आज जो टाइम चल रहा है उसमें ये एरा, इस उस टाइम को इस एरा में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है सीनोजोइक एरा जो है ये वर्तमान या अभी का महाकल्प है। ठीक है, यहां पर इसकी मतलब हम जो ओरिजिन कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत थी, अभी ये कोई अवधि इसका एंड नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है, ये लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये शुरुआत इसकी मानी जाती है। ठीक है, यहां पर अब जो पहले के जितने भी महाद्वीप थे, ओशंस पुराने जितने भी थे वो सब खत्म हो गए थे, इसकी जगह पर अब नए महाद्वीप, ठीक है, जो आज के महाद्वीप और ये समुद्र, नदियां, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघले तो उनमें नदियां बनी, नदियां पर्वतों की स्थापना हुई। ठीक है, तो नए नए पर्वत, अब जैसे हमने उस दिन कल बताया था कि पर्वत श्रेणियां बनी, एंडीज, आल्प्स, एवरेस्ट, ये सब। तो ये क्या होते हैं, जो आज का हमें दिख रहा है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस दिख रही हैं, ये कंडीशन इसी युग में बननी शुरू हुई, जो पहले की थी वो खत्म हो गई, इसकी जगह नया ये जो युग था इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इस समय जो हमने पढ़ा था कि एंड आते आते सीनोजोइक एरा की शुरुआत में जो मैमल्स थे वो फ्लरिश्ड हो गए, मतलब अच्छे से उस समय उनका उद्भव हो गया। ठीक है, मतलब एनिमल्स में मैमल्स टॉप के वैसे ही मैमल्स आते हैं, तो मैमल्स और जो प्लांट्स थे उनमें एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधे जो कहलाते हैं वो इनमें आ गए। ठीक है, मतलब इस समय इनकी शुरुआत अच्छे खासे कंडीशन में सीनोजोइक एरा में ये सब थे। तो टॉप के प्लांट्स और एनिमल्स या वी कैन से जो जिनका जटिल जिनकी संरचनाएं थी, अब वो जंतु और पादप इस महाकल्प में उपस्थित हो गए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन, अब इसको भी हमने जैसे पढ़ा था, चार्ट ध्यान रखना, जिस चार्ट में बताया हुआ है सीनोजोइक एरा को हम टर्शरी और क्वार्टरनरी दो कल्पों में बांटते हैं। ठीक है, ये हो गया महाकल्प, इस महाकल्प को हमने टर्शरी और क्वार्टरनरी दो कल्पों में या पीरियड्स में बांटा। इन टर्शरी और क्वार्टरनरी को इनको फिर हम युगों में बांटते हैं। पता ही है, हम जो एराज हैं उनको पीरियड्स में और पीरियड्स को एपॉक्स। ठीक है, तो ये जो हो गए, ये हो गए कल्प और इनको युगों में, एपॉक मतलब युग। तो टर्शरी जो कल्प था उसको पैलियोसीन एपॉक, इओसीन एपॉक, ओलिगोसीन युग, मियोसीन युग और प्लियोसीन युग, इनमें बांटा गया। तो ये जो चीजें हैं ये, और क्वार्टरनरी को प्लिस्टोसीन होलोसीन, जैसा बताया था पिछली क्लास में, होलोसीन जो है वो आज का युग कहलाता है। ठीक है, रिसेंट एपक या होलोसीन। ठीक है, तो इसमें अब हम पढ़ते हैं पेलियोसीन। पेलियोसीन जो युग था ये लगभग क्या है, 1 करोड़ साल पहले शुरुआत इसकी हुई। इस समय जलवायु जो थी, मौसम था, वो ठंडा हो गया था। ठीक है, यहां पर अब मैमल्स जो थे उनका विस्तार या डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया। यहां पर जो है, जो हम कहेंगे जो इंसेक्टिवोरस मैमल्स थे, मतलब कीट भक्षी स्तनी थे, वो अब इस युग में शुरुआत हुई इनकी आने की।
तो मतलब जो शाकाहारी थे अब उनसे मांसाहारी जो स्तनी थे उनकी उत्पत्ति इस युग में शुरू हुई। प्लांट्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो आवृत बीजी, यहाँ के सीनोजोइक एरा के जो शुरुआत में ये आवृत बीजी पादप आ गए थे, अब उन प्लांट्स में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हो गया। मॉडर्नाइजेशन इट मींस कि अब उनमें और रूपांतरण होके और ज्यादा एडवांस प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या आवृत बीजी पौधे, पेड़ ये उगने लगे। ठीक है, पैलियोसीन हो गया, मतलब जो मांसभक्षी स्तनी है उनकी अधिकता। अब आप आते हो ईओसीन पर, ईओसीन जो है वो लगभग कितना हो जाता है, 5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और लगभग 1 करोड़ करीब इसका युग, इसकी एज मानी जाती है। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, जो जलवायु पहले ठंडी थी प्लियोसीन में, अब वो इस युग में आते आते क्या होती है, वो थोड़ी गर्म होने लगती है। गर्म होने के साथ ही जो पर्वत थे, पहाड़ थे, वो कटने लगे। कटने लगे मतलब वैलीज बनने लगी। ठीक है, जब वैलीज बनने लगी तो इसमें क्या हुआ, इस टाइम में सबसे ज्यादा चरम पर मतलब मैक्सिमम हाइट पर यहां पर स्तनी या मैमल्स थे। ठीक है, तो यहां पर ये जो हम कह सकते हैं प्लेसेंटल मैमल्स या जरायुज, जिनमें ऐसे मैमल्स का उद्भव हुआ जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा पता ही है, मदर और जो भ्रूण होता है, माता और भ्रूण के बीच की जो कनेक्टिंग कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा कहलाता है। जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इस समय जो जरायुज स्तनी होते हैं या हम कह सकते हैं प्लेसेंटा वाले, अब ये और एडवांस हो गए। ठीक है, मतलब अब मैमल्स में एडवांसमेंट चल रहा है, तो जरायुज जो प्लेसेंटल स्तनी थे उनका विकास होने लग गया। ठीक है, इस समय ऊंट, घोड़े, सुअर, ये जो जंतु थे, व्हेल है, तो जो अब एडवांसमेंट स्तनियों में होता चला गया इस एज में। और यहां पर अब प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो जो आवृत बीजी पादप थे, उन आवृत बीजी पादप में भी क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, उनमें विभेदीकरण हुआ। विभेदीकरण मतलब कि एक ही आवृत बीजी पादप है, उसमें कुछ चेंजेस होके एक दूसरा बन गया, उसमें कुछ चेंजेस होके तीसरा बन गया। तो ये उनमें क्या हुआ, आवृत बीजों में विभेदीकरण, डिफ्रेंसिएशन होने लग गया। साथ ही इस समय घास, जैसे जो ग्रास कहलाती है, घास की उत्पत्ति इसी टाइम में हुई ईओसीन में। ठीक है, अब आप आते हो ओलिगोसीन। ओलिगोसीन जो युग था वो लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है, या इसका ड्यूरेशन जो रहेगा। इस समय भी क्या हुआ, जो अब पहाड़ तो कटने लगे थे, पहले पहाड़ कट के जो स्थली एरिया है वो बढ़ने लगा, टेरिस्ट्रियल एरिया मतलब मैदान जैसा एरिया, ये बढ़ने लगा। इस समय जलवायु और थोड़ी गर्म होने लगी। ठीक है, जब जलवायु गर्म होने लगी तो ग्लेशियर्स थोड़े और पिघले। इस समय जो निम्न कोटि के स्तनी, जो मतलब जितने भी हम कहते हैं, हमने पढ़ा ना अभी मैमल्स में भी लोअर और हायर मैमल्स होते हैं, तो जो बिल्कुल सिंपल टाइप के मैमल्स थे इस समय ये विलुप्त हो गए। ठीक है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, इस कंडीशन को वो नहीं झेल पाए, तो जो जलवायु के मौसम था उसको वो झेल नहीं पाए और उनका वो खत्म हो गए। ठीक है, तो इस समय बंदरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बंदरों के बाद ही, ध्यान रखो, बंदरों से क्या हुआ था, ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था। तो इस समय बंदरों की उत्पत्ति हुई, बंदरों से कपि बने, हम जो लंगूर और एंट को कहते हैं ये बने, जो घोड़ों का विकास हुआ, ये घोड़े, हाथी, ह्यूमंस, इन सबका इवोल्यूशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर, अपने आप में 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे हम मानते हैं हम ह्यूमन बींग्स पहले 4 पैर बंदर थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा उठते उठते हम सीधे चलने लग गए, ये बहुत एकदम से नहीं हुआ, मिलियंस मतलब करोड़ वर्ष के करीब, हजारों लाखों वर्ष लग गए इस कोने में।
वैसे ही घोड़े आज के जैसे नहीं थे, वो पहले छोटे मतलब डोंकी के साइज के, फिर उनमें और उनकी जो आज जो हम घोड़े देखते हैं उनकी एक ही अंगुली एक जो हूफ रहता है वो एक ही है सिंगल, पर उस समय वो टेट्रा चार उंगलियां उनके थी। फिर मॉडिफिकेशन हुआ, फिर उनके जैसे जैसे एडप्टेशन, जैसे जैसे उनका एनवायरमेंट होता गया, उनका एडप्टेशन होता गया, वैसे वैसे इनमें चेंजेस आते हैं। तो हाथी का विकास अलग है, घोड़े का विकास अलग है, ह्यूमन बींग का विकास अलग है। तो ये वो टाइम था जहां पर घोड़ों का विकास शुरू हुआ, बंदरों से कपि की उत्पत्ति, ह्यूमन बींग, अब ह्यूमन बींग की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी उत्पत्ति हुई इस समय उष्ण, क्योंकि जो गर्मी थी इस समय बहुत थी, तो उष्ण कटिबंधी जो जंगल थे वो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। जो हम कहते हैं एक बीजपत्री पौधे, ठीक है, जो फ्लावर्स वाले पौधे थे, पुष्प वाले, वो इस समय आने लगे, उत्पन्न हुए। तो ओलिगोसीन इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट युग रहा, ठीक है। अब आते हैं मियोसीन युग पे। तो मियोसीन युग लगभग 1.5 करोड़ वर्ष तक रहा और 2.5 करोड़ तक इसकी स्टार्टिंग थी, 2.5 करोड़ ईयर्स पहले, ठीक है। तो ये जलवायु अब यहां पर आके क्या हुआ, जो इतनी गर्म चल रही थी अब वो वापस थोड़ा कूल होना शुरू हुई, ठीक है। तो यहां पर जलवायु थोड़ी ठंडी हुई और अमेरिका वगैरह में, उत्तर अमेरिका वगैरह में यहाँ पर ज्वालामुखी बनना स्टार्ट हुए, जो वहां पर आज के ज्वालामुखी है, ठीक है। यहां पर स्थलीय जो आज के आधुनिक जो मॉडर्न मैमल्स हैं वो आज के युग में यहाँ पर बनना शुरू हुए, मतलब उनकी स्टार्टिंग हुई होने की। और जो आदि कपि थे, बंदरों से कपि बने थे, अब इन आदि कपियों से मानव का विकास हुआ इसी युग में, मियोसीन युग में, ठीक है। तो अब आप आते हो, अब यहाँ पर जो थे जो प्लांट्स थे वो पूरे स्थल मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की इस समय पूरे फ्लरिश हो गए इस टाइम में। फिर आते हो प्लियोसीन युग में। प्लियोसीन युग जो है वो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले से है, पहले का आ रहा है, और इसकी मतलब जो अवधि है वो 1.2 करोड़ वर्ष पहले तक रही, ठीक है। इस समय अब जैसा हम बता रहे थे मियोसीन में ठंडक होना शुरू हो गई थी, प्लियोसीन में आते आते ये जलवायु काफी ठंडी हो गई, यहाँ पर जो मौसम था वो बहुत ठंडा हो गया। तो अब मानव जैसे जो कपि थे वो इस समय जो हम कहते हैं ना आदि मानव, प्रिमिटिव जो ह्यूमन बींग्स थे, आदि मानव थे, वो इस पीरियड में आने उद्भव हुआ उनका, ठीक है। और जैसे हमने आज का जो हम जैसे हॉर्स का बताते हैं, मैरी चिप्पस, मियो चिप्पस, ये अलग अलग हॉर्सेस के नाम है, जब इवोल्यूशन कभी हॉर्सेस का पढ़ोगे तो उसमें रहेगा। तो इस समय में प्लियोसीन युग में मैरी चिप्पस हॉर्स, जिसकी एक उंगली थी सिर्फ, ठीक है, उससे आधुनिक घोड़े जो आज के घोड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लियो चिप्पस। मैरी चिप्पस से प्लियो चिप्पस जो हॉर्सेस थे, जो आज के घोड़े हैं, वो इस युग में आ गए थे, उनका उद्भव हो गया था, ठीक है। और यहां पर अब ये जो प्लियोसीन युग में जो पादप है, अब क्या हुआ, जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी होगी, जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी होगी, तो पादप जो स्थल के थे, जो वो गर्मी से जो चले आ रहे थे, वो पूरे के पूरे नष्ट हो गए, ठीक है, जंगल नष्ट हो गए पूरे के पूरे। और यहां पर क्या होगा, इस समय जो बड़े बड़े पेड़ थे, लकड़ी के पेड़ थे, उनकी जगह हर्ब्स, जो शाकीय पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, मुलायम पौधे, उन्होंने ले ली, ठीक है। और जैसा हमने बताया फ्लावर्स वाले प्लांट्स आ गए, एक बीजपत्री प्लांट्स आ गए, ठीक है। तो ये हो गया प्लियोसीन युग। तो ये प्लियोसीन युग टर्शियरी पीरियड का एंड हो गया। इसके बाद आता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी जो पीरियड है इसमें दो युग हमने प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ये दो इसमें युग आते हैं। तो प्लिस्टोसीन जो युग है वो लगभग 17.6 से लेकर लगभग 17.17 लाख वर्ष समझ लो पहले से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसकी अब अभी देखो जलवायु वहां से ठंडी हो रही है, तो प्लिस्टोसीन में आके वो जलवायु और ठंडी हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पर ठंडक बढ़ते बढ़ते ये प्लिस्टोसीन युग हिमयुग कहलाता है, हिमयुग आइस आइस स्टेज, ठीक है, या हम इसको कहते हैं आइस एज, जिस समय बर्फ ही बर्फ थी पूरी, ठीक है, हिमखंड, बड़े बड़े हिमखंड बने, ग्लेशियर्स बने, समुद्री जल जो था, क्योंकि वो जो पानी था उसके बर्फ बन रहे हैं, जब ग्लेशियर्स बन रहे हैं तो जो समुद्र का स्तर है वो नीचे आने लगा, ठीक है, वो नीचे जाने लगा। इस समय जो जीव थे वो जनरली जो जितने भी जीव जंतु हैं आज के, वो लगभग इसी युग से चले आ रहे हैं, मतलब आज के युग और उस युग के प्लिस्टोसीन युग के जो जीव जंतु हैं वो काफी कुछ समान हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट चीज हुई प्लिस्टोसीन युग में, वो मानवों में, ह्यूमन बीइंग्स में सामाजिक व्यवहार का आना, ठीक है, सोशल होने लग गए, उनमें किस तरह से वो कॉलोनी बना के रहेंगे या कैसे अपनी एक ग्रुपिंग या फैमिली, ये सारी चीजें इस समय आने लगी। प्लांट्स में भी इस समय जो छोटे छोटे शाकीय पौधे, हर्ब्स और इनका विकास होने लग गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं होलोसीन। होलोसीन जो है इसको हम कहते हैं एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन, होलोसीन आदि मानव का युग, सॉरी मानवों का युग कहलाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा आज का युग है जिसमें ये लगभग 40,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। और मतलब हम इसकी शुरुआत कहां से कहेंगे, हिमयुग से, ठीक है। तो यहां पर आके अब होलोसीन युग में अब मौसम फिर से, जलवायु फिर से गर्म होने लग गई, जो अभी तक बिल्कुल ठंडी थी। अब जब जलवायु गर्म होगी तो क्या होगा, जो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो बड़े बड़े हिमखंड बने हुए थे वो पिघलेंगे। तो हम जो आज सुनते रहते हैं कि जो अलनीनो या इस टाइप के जो इफेक्ट होते हैं, मतलब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो जो जलवायु है, कभी बहुत ज्यादा, कभी हम सुनते हैं बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, बहुत गर्मी रही, बहुत ठंड रही, ये सब अब जैसे नया आ रहा है अलनीना, ठीक है, जैसे अलनीनो अभी पिछली बार था, अब अलनीना एक नया आ रहा है जिसमें बारिश और ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एज ऑफ मैन हो गई। इस समय ये जो टाइम था होलोसीन युग, इस समय जंतुओं की सर्वोच्च जाति ह्यूमंस का डेवलपमेंट या विकास हुआ, ठीक है, इसलिए इसे मानवों का युग भी कहते हैं।